Assalamualaikum and welcome back to another reaction video. और आज हमारी वीडियो का टाइटल होने वाला है SSG Commandos Captain Ruhullah Shahid. So हम लोगों ने जो 5 best SSG Commandos की वीडियो देखी थी उसमें एक इनका नाम भी था और आप लोगों ने बताया था कि इनके बारे में एक अलग से वीडियो है वो हमें ज़रूर देखनी चाहिए और इनकी स्टोरी बताई जाएगी उसमें, इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए भी मिलेगा हमें, तो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है और साथ ही साथ स्पेशली इनके बारे में हमें पता चलेगा कि ये कौन थे एक्चुअल में और फिर इनकी जो लाइफ रही, इनकी जो जर्नी रही है उसके बारे में हमें आज जानने के लिए मिलेगा. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो और एज़ यूजुअल एसएसजी कमांडोज़ की वीडियोस जो होती हैं हमेशा इंटरेस्टिंग, तो वही देखने में मज़ा आएगा ज़रूर. तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं. बिल्कुल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स टीवी. दोस्तों आज हम बात करेंगे इस धरती की एक अजीम माँ के उस अजीम बेटे की जिसने अपने मुल्क के मासूम लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया. गोरी रंगत, आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की दाढ़ी, इस अजीम SSG कमांडो का नाम कैप्टन रूहउल्लाह है. कैप्टन रूहउल्लाह शहीद 1999 को पेशावर के एक इलाके मुरादाबाद में पैदा हुए. कैप्टन रूहउल्लाह चार बहन भाइयों में से सबसे बड़े थे. कैप्टन रूहउल्लाह के वालिद का नाम हबीबुल्लाह था और वो रूहउल्लाह को डॉक्टर बनाना चाहते थे क्योंकि इनके वालिद खुद डॉक्टरी के पेशे से मुंसलिक थे. लेकिन इसके बरक्स कैप्टन रूहउल्लाह बचपन से ही पाक फौज में शामिल होकर मुल्को कौम की खिदमत करना चाहते थे. कैप्टन रूहउल्लाह ने अपनी इब्तदाई तालीम इस्लामिया स्कूल पेशावर से हासिल की. कैप्टन रूहउल्लाह के वालिद के मुताबिक उनके वालिद ने रूहउल्लाह के लिए एक आर्मी यूनिफॉर्म खरीदा था. कैप्टन रूहउल्लाह को आर्मी का इतना शौक था कि वो हर वक्त उस यूनिफॉर्म को पहने रखते थे और अगर वो यूनिफॉर्म गीला हो जाता था तो वो इसके सूखने का इंतजार भी न करते और गीला ही पहन लेते थे. इससे जाहिर होता है कि उन्हें पाक फौज से कितनी मोहब्बत थी. पाक फौज से लगन और मोहब्बत ने रूहउल्लाह को फौज में शमूलियत की तरफ रागब किया और इस तरह वो सारे मराहिल तय करने के बाद SSG कमांडो बने और फिर हजारों लोगों की जान बचाते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हुए. कैप्टन रूहउल्लाह के बारे में अल्फा ब्रावो चार्ली के कैप्टन गुलशेर, जो करंटली आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उनका कहना था कि कैप्टन रूहउल्लाह, मुझे नहीं मालूम था कि आज मैं उस बच्चे के बारे में, मेरे लिए वो बच्चा ही है, कि मैं उसके बारे में आज उसका वाकया सुनाऊंगा यहाँ पे कि उसने ये अजीम मर्तबा कैसे पाया. आज से ठीक 1.5 साल पहले कि यहाँ पे मेरे पास आया वहाँ पे और एक ओकेजन के ऊपर मेरे पास आता है, मुझे कहते हैं सर आपसे मैंने सेल्फी खिंचवानी है. मुझे वक्त नहीं भूलता कि मैं किस अजीम बंदे ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ, उसके साथ में वो मेरी तस्वीर अपने साथ अपने फेसबुक पे सजाए. मुझे मैं अपने जज्बात की अक्कासी नहीं कर पा रहा कि आज मैं किस जज्बात से गुजर रहा हूँ कि आज उस बच्चे के बारे में बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने उसने कितने बड़े मर्तबे के लिए इस फर्जंद पाकिस्तान को. सामाइन, कैप्टन रूहउल्लाह के वालदैन के मुताबिक शहीद होने के ठीक 2 माह बाद उनकी शादी थी. कैप्टन रूहउल्लाह ने 2011 में 125 PMA लॉन्ग कोर्स के जरिए पाक फौज में कमीशन हासिल किया और उनको पाक फौज की बलोच रेजिमेंट 50 में तैनात किया गया. रूहउल्लाह की पहली पोस्टिंग वजीरिस्तान में हुई और वजीरिस्तान में उन्होंने 1 साल गुजारा और उसके बाद उनकी पोस्टिंग पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होती रही. इस दौरान कैप्टन रूहउल्लाह को SSG में शमूलियत का मौका मिला और उन्होंने इस मौके से भरपूर फायदा उठाया और स्पेशल सर्विस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली. दोस्तों, कैप्टन रूहउल्लाह का ताल्लुक 2 लाइट कमांडो यूनिट से था. अच्छा। कैप्टन रूहउल्लाह को अस्करी हलकों में निहायत कदर की निगाह से देखा जाता था क्योंकि इनका शुमार पाक फौज के उन अफसरान में होता था जिन्होंने सैकड़ों की तादाद में खुफिया मिशंस और रेस्क्यू ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था. इस बहादुर कमांडो की इन्हीं खिदमात की बदौलत एक एजाजी सनद से भी नवाजा गया मगर अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था. 24 अक्टूबर 2016 में दहशतगर्दों ने एक बार फिर से क्वेटा का इंतखाब किया. इस बार दहशतगर्दों की नज़र क्वेटा के हसास तरीन इलाके सरयाल पर थी. क्वेटा को खून में नहलाने के लिए 3 खुदकुश बम्बारों ने मंगल की रात 11 बजे सरयाल में मौजूद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर छुपकर हमला कर दिया और अपनी बुजदिली का सबूत दिया. उस वक्त ट्रेनिंग सेंटर में तकरीबन 750 न्यू अहलकार तरबियत ले रहे थे. इन दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और बहुत से एहलकारों को यरगमाल बना लिया
और उस वक्त बहुत से नए अहलकार शहीद भी हुए। इससे पहले भी 2006 और 2008 में पुलिस की इस तरबियतगाह पर रॉकेट हमले हो चुके थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तरबियतगाह कितनी हसास है। हमला होते ही जाए वकुआ पर फ्रंटियर कोर और एसएसजी कमांडो के दस्ते फौरन पहुंच गए, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया। इस ऑपरेशन में गैर मामूली सलाहियतों के हामिल अफसरान में कैप्टन रूहुल्लाह भी शामिल थे, जिनकी बहादुरी ने उस रोज मुल्को कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। कैप्टन रूहुल्लाह ने खुदकुश बम्बार को बंदूक संभालते ही जहन्नम वासिल कर दिया और सैकड़ों अहलकारों की जान बचा ली। जाए वकुआ पर पहुँचने के बाद ट्रेनिंग सेंटर के सारे कमरों को क्लियर किया गया। 210 कमरों को क्लियर करने के बाद एक खुदकुश बम्बार भाग कर रूहुल्लाह की तरफ बढ़ा, लेकिन कैप्टन ने अपनी प्रोफेशनल स्किल्स का मुजाहिरा करते हुए उसके माथे पर गोली मारी और उस दहशतगर्द के नापाक अजाइम मिट्टी में मिला दिए। 10 कमरे क्लियर करने के बाद जब वो 11वें कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ 50 अहलकार मौजूद थे। जराए के मुताबिक कैप्टन रूहुल्लाह ने आवाज लगाई कि यहाँ सब अपने हैं क्या, मैं एसएसजी कमांडो हूँ, एक एक करके हाथ ऊपर करके बाहर निकलते जाओ। उसने पहला रूम एंट्री हमारे कमरे में किया था, तो जो खुदकुश था उसने दूसरी मरतबा के खुद छुप के एक चारपाई के नीचे वो भी हमारी तरफ छुप गया। तो कैप्टन ने बोला सारे अपने बंदे हो, तो हमने कहा शायद वो खुदकुश हमें बुला रहे हैं। तो कहते मैं एसएसजी का एक जवान हूँ, तो हमने कहा हाँ सर हम पुलिस वाले। अहलकारों के बाहर निकलने के दौरान कैप्टन रूहुल्लाह को शक हुआ कि साथ दूसरे कमरे में चारपाई के नीचे कोई है, और कैप्टन रूहुल्लाह का शक बिल्कुल सही निकला। उस चारपाई के नीचे तीसरा खुदकुश बम्बार था। कमरे में अंधेरा होने के बायस कुछ भी नजर न आ रहा था। इससे पहले कि वो अपनी जैकेट ब्लास्ट करता, कैप्टन रूहुल्लाह उस पर शेर की तरह झपट पड़े। तो उसने कहा ये चारपाई के नीचे कौन है? जब उसने चारपाई पे लात मारी तो वो खुदकुश उधर बैठा हुआ था। तो उस कैप्टन को मैं सलाम करता हूँ कि उसने ब्लास्ट होने से पहले उस अपने आप को उसके ऊपर फेंक दिया, और हमने देखा जोरदार धमाका हुआ। अच्छा, ये उसके ऊपर कूद गए, धमाका उसने लेकिन कर लिया था। को बचाया है मुहाफिज अमन के हम हैं, ये दुनिया को दिखाया। दोस्तों, कैप्टन रूहुल्लाह के सर में चोट लगने की वजह से वो कोमा में चले गए। इनकी टांगे भी सलामत नहीं थी। उन्हें उसी वक्त कोयटा सीएमएच हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जहां उनकी इब्तदाई ट्रीटमेंट की गई, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इस लातादाद सलाहियतों के मालिक कमांडो के नसीब में गाजी नहीं बल्कि इससे भी बड़ा दर्जा यानी शहादत लिखी जा चुकी थी। 25 अक्टूबर 2016 को फजर के वक्त कैप्टन रूहुल्लाह इस जहाने फानी से रुखसत हो गए और शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। दोस्तों, दूसरी तरफ ऐन उसी वक्त कैप्टन रूहुल्लाह की वालदा ख्वाब में अपने बेटे की आवाज से जाग जाती हैं। वो नहीं जानती थी कि उन्होंने ये आवाज ख्वाब में सुनी थी। वो दरअसल हकीकत में उनके बेटे की ही आवाज थी और वो आखिरी आवाज थी जो उन्होंने सुनी थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सरहद पर पहरा देते हुए शहीद हुआ उसे उसके नेक आमाल का अजर मुसलसल मिलता रहेगा और उसके लिए जन्नत में रिस्क जारी कर दिया जाएगा और कयामत के दिन अल्लाह उसे हर घबराहट से अमन देकर उठाएगा। दोस्तों, आपकी कैप्टन रूहुल्लाह के बारे में क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वो अभी जो माँ का बताया ना उन्होंने कि माँ ने आखिरी बार आवाज़ सुनी, मुझे बहुत अजीब सा लगा वो सुनकर। वाकई में मतलब कोई भी सुनेगा तो अजीब ही लगेगा, इतनी चौंकाने वाली बात है। और जैसे उन्होंने किया अपने आप को एक आदमी के ऊपर, उसके ऊपर फेंक दिया जो दहशतगर्द था वहाँ का, जो बॉम्ब ब्लास्ट होने से उन्होंने बचाई। अगर वो जैकेट ब्लास्ट हो जाती तो पता नहीं कितने जो वहाँ लोग मौजूद थे उनकी जानें चली जाती हैं, और उनके साथ फिर क्या चीज़ें पेश आती हैं आगे जा करके, क्या होता। क्योंकि एक भी अगर उनका वो चीज़ कामयाब हो जाती है ना, तीन लोगों में से कोई एक भी अपने आप को कामयाब हो जाता ब्लास्ट करने में और नुकसान करने में, तो वो उनके लिए जीत के बराबर होता। उन्होंने उनको जीतने नहीं दिया, चाहे वो खुद शहीद हो गए लेकिन उन्होंने उनको हरा के ही रहे। हाँ, अभी हमने जो इससे पहले वीडियो देखी थी ना, उसमें 5 बेस्ट एसएसजी कमांडोज थे और उनमें इनका नाम भी था। तो ये देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो था, यू नो, इंटरेस्टिंग के पता नहीं क्या बताया जाएगा उनके बारे में, ऐसा क्या दिखाया जाएगा, क्योंकि उसमें तो सिर्फ 5 बता दिए कि ये बेस्ट हैं। ये भी चीज़ के शादी से 2 महीना पहले शहीद हुए, मतलब इनका रिश्ता जाहिर सी बात है कहीं लगा होगा और जाहिर सी बात है बात चल रही होगी, लेकिन उसके बाद कितना
दिल दुखता होगा ना ऐसी सिचुएशन सामने, मतलब अगर ऐसी सिचुएशन हो ना तो 10 चीजें सामने आ जाती हैं कि घर वालों का क्या होगा, माँ बाप हैं, आगे की इतनी बड़ी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी मैंने जी कितनी है कि मैं ऐसे मर जाऊं जा करके। जब और इनकी तो एज भी क्या थी, इतनी कम उम्र में, इतनी कम उम्र में, शायद महज इनकी 28-30 साल की उम्र होगी, उसमें भी इन्होंने इतने मुकाम पे पहुंचे इस उम्र में। हाँ, लेकिन शहीद होने के बाद उन्हें और उससे ज़्यादा आला मुकाम मिल गया, ये अच्छी बात है कि अपने मुल्क के लिए शहीद हुए हैं वो, और फिर उसके बाद जो ज़िंदगी जैसे जी रहे थे अपने वतन के लिए, और फिर उसके बाद जब वो शहीद हुए तो अल्लाह पाक ने उनका रुतबा जो है वो और ज़्यादा, मतलब दुनिया में तो वो नाम करी गए, आखिरत में भी इंशाल्लाह नाम करेंगे। बिल्कुल, और शेर इनको बिल्कुल ठीक बोला है भाई, 10 रूम में वो अकेले गए और फिर उसके बाद वहाँ पर जाकर उन्होंने उनको खाली करवाया, फिर 11वीं में बताया कि वहाँ पर चारपाई के नीचे कोई वो बैठा हुआ था। तो ये ना मुझे स्टोरी जो है इस तरह की बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और ऐसी और स्टोरीज जानने के लिए, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो इससे और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है और जानने के लिए मिलता है ऐसे जी कमांडोज के बारे में कि वो किस तरह से काम करते हैं और उनकी लाइफ जो है वो उसमें क्या क्या, इतना ज़्यादा जो दूसरों की मदद भी करते हैं और फिर उसके साथ साथ फिर एंड में जाकर उन शहादत मिल जाती है। और दूसरी चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है, सारी चीज़ें टेररिज्म है, पूरी दुनिया में शायद पाकिस्तान एक ऐसी लौती कंट्री है जहाँ टेररिज्म सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी उन्हीं को किया, लेकिन उसके बावजूद भी बदनाम भी उन्हीं लोगों को किया जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शहीद अगर कहीं लोग हुए टेररिज्म की वजह से तो पाकिस्तान में ही हुए, तो हाँ। उसके बावजूद भी उन लोगों को इस तरीके से कहना, कितने लोग, और अभी हमने खुद देखा अपनी आँखों से कि वहाँ के कितने लोग शहीद हुए, ISPR के कोई भी वीडियो देख लें, हम इन SSG कमांडोज की कोई भी वीडियो देख लें, तो उसमें हमारे सामने यही आता है कि टेररिस्ट की वजह से ही ये चीज़ सही, किसी की शहादत हो गई, किसी को अपनी जान देनी पड़ गई मुल्क के लिए, तो ये टेररिस्ट एक्टिविटी सबसे ज़्यादा वही होती है और उसके बावजूद भी उन्हें बुरा बोला जाता है, तो ये चीज़ गलत लगती है कभी कभार। हाँ बिल्कुल। सो गाइस, ये था आज का हमारा रिएक्शन, आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया हो और हमें आज कैप्टन रूहुल्ला के बारे में जानने के लिए मिला और अच्छा लगा उनके बारे में जानकर। ऐसे ही और SSG कमांडोज जिनके बारे में हम जानने के लिए और भी वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।